आज तिरंगे के सम्मान में 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़े और हर ट्रैक्टर के आगे दोनों तिरंगे थे, हर ट्रैक्टर के आगे किसानी झंडा था। ये हमें सिखाएंगे तिरंगे का अपमान होता है, सम्मान होता है। जो आदमी तिरंगे से नाक पहुंचता हो वो हमें सिखाएगा तिरंगे का अपमान सम्मान क्या होता है। आज इन्होंने बड़ी जल्दी बोल दिया कि भैया ये जो इसके अंदर घुस गए लाल किले के अंदर, आज मुझे एक बात बताइए 50,000 से ज्यादा वहां पे भीड़ थी, 50,000 की पब्लिक जो थी पुलिस वालों की, 50,000 पुलिस वाले वहां पे होने के बाद, 50,000 पुलिस वाले होने के बाद कैसे आदमी अंदर घुस गया, आप मुझे ये बात बताइए। आज वहाँ पे आपने देखा होगा इतना मोटा ताला लगा रहता है, वहाँ पूरी की पूरी वो लगी रहती है जो जंजीरें होती हैं, वो जंजीरें टापी गई। मेरे पास पूरी वीडियो है, अकाल शाही टीवी पे जाके 1 घंटे की वीडियो है, लाइव वीडियो, जिस इन्होंने सिख का इस्तेमाल किया है, जिस निहंग का इस्तेमाल किया है। आज दीप सिद्धू तो एक मोहरा है, मैं आपको बता दूँ, दीप सिद्धू जो है उसका जो नाम उछाला जा रहा है वो जान के उछाला जा रहा है, मेरी बात समझ रहे हो बात, वो बहुत छोटा सा मोहरा है, असली कांड इन्होंने कराया निहंग के द्वारा। आप को अकाल शाही टीवी पे जाके देखना, 1 घंटे की पूरी लाइव वीडियो है, उसके अंदर उस आदमी का इस्तेमाल किया है, पुलिस वाले उसको रास्ता दे रहे अंदर जाने का, उसको पुलिस वालों ने पकड़ा कि भाई साहब आप अंदर कैसे जा रहे हो, बोला मैं पत्रकार हूं। कौन सा निहंग जो होता है मुझे आप ये बताओ जो अपने साथ एक स्मार्टफोन लेके घूमता है, मुझे आप ये बात बताओ कौन सा निहंग होता है, उनका पूरा जत्था जाता है घोड़ों का घोड़ा। इन्होंने तो लाडली जो हमारी फौज होती है उनको भी बदनाम करने का काम किया है, ऐसी सरकार पे थू है जो ये सिखों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने तो जयचंदों वाला काम किया है, और असली जयचंद जो है दीप सिंधु है, और असली जयचंद जो है वो सिख कौम का आदमी है जिसे सिख कौम को बदनाम किया है। मैं कह रहा हूं उस पे पकड़ के कार्रवाई क्यों नहीं करते, सोशल मीडिया पे अकाल शाही टीवी पे उसकी पूरी 1 घंटे की वीडियो है, आप निकालो। जो बंदा बार बार बोल रहा है कि निशान साहब फिराना है, निशान साहब बोलो वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी, सारे वहां पे जो किसान लोग बैठे थे उनको भड़काने का काम किसने किया, उसने किया। पुलिस वालों को वो कह रहा है मुझे अंदर जाने दो, मुझे एक बार अंदर जाने दो, हम यहां पे निशान साहब फिराएंगे। पुलिस वालों ने रास्ता दिया, ताला तोड़ा गया, पुलिस वाले कहाँ थे, 50,000 पुलिस वाले थे वहाँ पे, आप देखो वहाँ पे उस अकाल शाही टीवी में जाके पुलिस की 2 मिनट की वीडियो के अंदर 18 मिनट 25 सेकंड में उस बंदे ने बताया कि हम यहाँ पे निशान साहब ले रहेंगे। 38 से 42 मिनट के अंदर वहाँ पे ताला तोड़ते हुए दिखाया गया, उस समय पुलिस वाले कहाँ थे, यानी कि ये षड्यंत्र था ना, ये रचना था, ये होने देना था, ये सब कुछ करवाया गया। जब घर के कुंडे खोल दिए जाएँ उसके बाद ये सोचे थे कि चोरियाँ हो रही हैं, तो उसके बाद आप चोर से ज़्यादा घर के सिपाही को पकड़ो जिसने कुंडी खोलने का काम किया। चोर तो अपना काम कर गया, और वो चोर कौन थे, वो छोर था दीप सिंधु, और कुंडी खोलने वाले कौन थे, सरकार के नुमाइंदे। आज सारे किसान नेताओं को भी मेरा संदेश है कि आज सारे किसान नेताओं को संयम बरतने की जरूरत है, और जो ऐसे उपद्रवी हैं जिन्होंने दंगे को भड़काने का काम किया है, आज उन सारे लोगों को एक हैशटैग चलाना चाहिए, जितने भी किसान के जुड़े लोग हैं कि जो हमारे अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज इतनी बड़ी पुलिस संरक्षण तुमसे नहीं संभल रहा, तुमसे लाल किला नहीं संभला, तुम देश संभालने की बात करते हो। आज नहले पे दहले की जरूरत है। आज जितने भी पुलिस वाले हैं उनसे पूछा जाए, दिल्ली कमिश्नर से प्रेस वार्ता की जाए कि बताओ तुम्हारे निरीक्षण में इतने लोग कैसे घुस गए। आज अगर उसके बीच में कोई दूसरा आतंकवादी घुस के लाल किले पे बम बरसा देता तो ये लोग बोलते देखो किसानों ने बम मार दिया, ये किसानों को आतंकवादी साबित करना चाह रहे थे, अपने मनसूबों को पूरा करना चाह रहे थे। आज इस पर साजिश किया है या ये घटना है, इस पर तो पूरी जाँच होनी चाहिए ना। जब दीप सिंधु का इतना नाम उछल रहा है तो दीप सिंधु को क्यों नहीं पकड़ रहे, वो वहाँ पर सारा कांड करके बाइक लेके एक आदमी की फरार हो गया। उठाओ दीप सिंधु को, उठाओ उस सिख आदमी को जिसने ये काम किया है, क्यों नहीं उठा रहे, क्यों नहीं जांच हो रही। पुलवामा की घटना होती है उस पर जांच नहीं होती, इतनी बड़ी घटना होती है उस पर जांच नहीं होती, और ये हमें तिरंगे के सम्मान की बात जो है अंधभक्त बताते फिर रहे हैं, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। किसानों को वहाँ पे जो आरएसएस के बंदे थे अपनी वर्दियाँ पहन के, एक बात बताइए कोई पुलिस वाला होगा जिसका नाम नहीं लिखा होगा, होगा? आज 15 बंदे पकड़े हैं, और जिनका बोला जा रहा है कि इन्होंने टपा टपा के मारा है पुलिस वालों को, मेरी बात समझ लेना, 18 पुलिस वालों को रेस्क्यू किया सिख भाइयों ने, 18 पुलिस वालों को, उनको बचा के अस्पताल भेजा LNJP। आप ये कह रहे हो कि ये हमें मार रहे हैं, ये तो खुद आरएसएस के बंदे बीच में घुस के आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि दंगों से किसका फायदा, किसान का या सरकार का, सबसे बड़ा सवाल, दंगों से किसका फायदा, सरकार का या किसान का? हमारा तो नुकसान है, अगर दंगे होंगे तो हमें तो नुकसान मिलेगा, क्योंकि दंगे होंगे तो हमारे आंदोलन को दबा दिया जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो। आज इनके पास बहुत अच्छा पॉइंट है, ये क्या करेंगे, ये लोग आंदोलन को ऐसे दबाएंगे कि आज बटालियन भी उतार सकते हैं अपनी यहाँ पर जो इतने बुजुर्ग बैठे हैं उन पर लाठियाँ चलवा सकते हैं, गोलियाँ चलवा सकते हैं, आंदोलन को दबाने के लिए किसी भी मंसूबे तक जा सकते हैं। आज जो अगर आप कह रहे हो निशान साहब, मैं कहता हूँ इन्होंने जो खुद ही फिराया हो, मेरी बात को समझ लेना, चाहे इनके बंदों ने फिराया कुछ भी फिराया हो, अरे इन्होंने तो हिस्ट्री रच दी, इतिहास में लिखा जाएगा,
इतिहास में ये किसानों ने निशान साहब फिरा करके दोबारा मुगलों की छाती में लात धरी थी। बहुत खूब, बिल्कुल सही, समझ रहे हो, दोबारा मुगलों की छाती में लात धरी थी। आज इन लोगों को तो बल्कि किसानों को लड्डू खिलाने चाहिए, बल्कि इनकी मंशा से हुआ हो। मैं कह रहा हूँ तिरंगे की शान में कोई गुस्ताखी नहीं हुई ना, और हर साल फतेह मार से निकलती है हर साल। आज सिख, आज जितने भी सिख लोग हैं उनको इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि हर साल फतेह मार्च निकलती है और फतेह मार्च पे निशान साहब लहराया जाता है। आज हमारे चाइना पे जो सिख रेजिमेंट के लोग हैं वो अपनी गाड़ियां जो लेके घूमते हैं सिपाहियों से भरी हुई, एक तरफ तिरंगा होता है और एक तरफ निशान साहब होता है। जब वो वहाँ फतेह करते हैं, चाइना में जाके लड़ते हैं, तो वहाँ पर तिरंगे के साथ साथ वो निशान साहब का झंडा भी लहराते हैं। तो तब तुम उन्हें आतंकवादी क्यों नहीं कहते, सिख रेजिमेंट के कौम के बंदों को? आज इन लोगों को देखिए, आंदोलन को भटकाना था, मेरी बात समझ रहे हो? सिखों का इसमें बहुत रोल है, आपको दिख रहा है आंदोलन में। तो ये शुरू से खालिस्तानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने इस मंसूबे में कामयाब होते नजर आ रहे हैं कि देखो सिखों ने आंदोलन को भड़का दिया, इन्होंने खालिस्तानी का झंडा लहरा दिया। मेरी बात समझ रहे हो? इस बात को लोगों को समझने की जरूरत है। कुत्ता कभी मालिक को काटता है? गोदी मीटर तो कुत्ती है, कुत्ती। मेरी बात को आप ध्यान रखना, इनका तो दीन ईमान धर्म सब बिक चुका है, नंगे लोग हैं ये लोग तो, मेरी बात समझ रहे हो? और सरकार में बैठे लोग, आज इनके भक्त लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, कल मेरे को लाठियां मारी है पुलिस वालों ने, मेरी वाइफ को लाठियां मारी हैं। जो ये वाला आंदोलन था आपका, टिकरी बॉर्डर वाली जो रैली थी, हम टिकरी बॉर्डर में शामिल थे, गिन्नी सानी नाम है, बेशक मेरी फेसबुक आईडी पर जाके लाइव देख लेना, समझ रहे हो बात? आज हम लोगों ने वहाँ पर जो लाइव प्रदर्शन किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमें रूट दिया ना, वो रूट में क्या किया, अगर 5000 ट्रैक्टर हैं तो पहले ना 1500 ट्रैक्टर जाने दिए पुलिस वालों ने, मेरी बात को समझना। उसके बाद क्या किया, बैरिकेड लगा दिए और उनको बोला कि अब तुम इधर से जाओ, तुम्हें ये रास्ता दिया गया। फिर 100-500 ट्रैक्टर उधर मोड़ दिए, फिर उसके बाद बैरिकेड उधर लगा दिए, फिर वहां मोड़ दिए उधर आपको झज्जर की तरफ, एक को झज्जर मोड़ दिया, एक को जो है झज्जर मोड़ने के बाद एक को बादली की तरफ मोड़ दिया, मेरी बात समझ रहे हो बात? और जो एक को ढासा बॉर्डर की तरफ मोड़ दिया, और सारा आंदोलन जाना करा टिकरी बॉर्डर की तरफ। इन्होंने 3 जगह रूट को डाइवर्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि किसान सड़क खंडखंड हो जाए और हम इस आंदोलन को खराब कर सके। जो 34 साल के लड़के के माथे में गोली मार दी, नेशनल मीडिया तब कहाँ थी? ट्रैक्टर पलट गई थी, ट्रैक्टर पलट गया, आपने देखा होगा 2 मिनट की, आप जैसे भाई लोग जो है उन्होंने पूरी फुटेज कवर की है वहाँ की, वो पूरी सोशल मीडिया पे वीडियो घूम रही है और वो पुलिस वालों को दिखा रहे कि देखो इसके माथे पे गोली मार के वो की है। उस मुद्दे को बड़ा क्यों नहीं बना रहे? एक किसान को और आपने शहीद कर दिया, मुद्दा तो वो होना चाहिए, मुद्दा झंडे का तो बनता ही नहीं है। ये झंडे से क्या कर रहे हैं, ये कभी हमेशा पाकिस्तान को बीच में लाते हैं, ये हमेशा पाकिस्तान को बीच में लाते हैं, ये तिरंगे को लेके आते हैं। ये रैली की परमिशन दी क्यों गई, आप इस चीज़ को समझो, ये रैली की परमिशन दी इसलिए गई क्योंकि आंदोलन दबाने का मौका मिला। आज यहां सारे किसान जो है छप्पड़ में बैठे थे, समझ रहे हो बात? आज बड़े तरीके से शांति प्रिय तरीके से काम कर रहे थे, इन्होंने रैली को भड़काने के लिए परमिशन दी है। और एक तरफ एक बात बताइए, आपको मैं कहता हूं फिल्म देखने जाओ और मैं कहता हूं 1 घंटे में वापसी आ जाओ, आप आ जाओगे? कौन जाएगा 1 घंटे में फिल्म देख के वापसी? सबको पता 2.5 घंटे की फिल्म है, आधा घंटा जाने में लगेगा, आधा घंटे आने में लगेगा। एक आदमी अगर फिल्म देखने जाएगा 4 घंटे लगेंगे, ये कहते नहीं 12 बजे निकल जाओ और 5 बजे वापसी आ जाओ। और रूट कितना, 65 किलोमीटर का रूट जो है वो 5 किलोमीटर जो 5 घंटे में सफर तय हो जाएगा, नहीं होगा ना? तो उसके बाद तुम रूट डिवाइड कर दो किसानों को। रकेट जी की कल आपने लाइव वीडियो देखी होगी, जब उनको मीडिया ने पुलिस वालों से वो झिड़क कर रहे थे कि हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें रास्ता दो, हमारा रास्ता ये है, इन्होंने रास्ते भटका दिए। अब ये कह रहे कि नेता लीड नहीं कर पाए, अरे इतनी हजारों की तादाद में पब्लिक है। एक बात बताइए, रैली की लिमिट डिसाइड करने वाले ये कौन होते हैं? आज देश का किसान ये कहते ना मुट्ठी भर है, किसान अपनी शक्ति दिखा रहे थे कि देखो हम मुट्ठी भर नहीं है, हम लाखों की तादाद में हैं। और वो लाखों की तादाद में देख के इनको जुलाब की गोली दे दी किसानों ने इनको, सरकार को, और इनको वो बात हजम नहीं हुई। आज मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आज ये मुट्ठी भर किसान दिखाने के लिए रैली को रोकने का प्रावधान किया गया था और ये परमिशन भी इसलिए दी गई थी। आज ये कहते हैं ना कि हमारी पार्टी का एक आदमी चाणक्य है, ये चाणक्य का दिमाग था, समझ रहे हो बात? ये चाणक्य का दिमाग था कि इनको परमिशन भी दो और इनको दबाओ भी, इनको मारो भी, समझ रहे हो बात? और आज इसके बाद गुमराह करके इनके ऊपर FIR करो, 2-4 नेताओं को खरीद लो, 2-4 को धमका दो जो डर के भाग जाएंगे। तो ये पूरा आंदोलन जो है वो एक षड्यंत्र का हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई है, पर देश की जनता को समझना चाहिए। आज हमारे ऊपर रैली में, मेरी बात समझ रहे हो बात? आज हमारे ऊपर रैली में फूल बरसाए दिल्ली की जनता ने, हमारा दिल गदगद हुआ। आज दिल्ली की जनता ने हमारे लिए जगह जगह लंगर पानी की सेवा रखी, हमारा दिल गदगद हुआ। आज दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्यार दिया, हमारा दिल गदगद हुआ। जो दिल्ली की जनता हमें प्यार दे रही है, हमारे पे फूल बरसा रही है, क्या वो हम लोगों को आतंकवादी समझ रही थी? वो किसान समझ रही थी ना? आज छोटी छोटी बहन बेटियां वहां पे लाइन लगा के खड़ी हुई थी, वो छोटी छोटी बहन बेटियों ने हमारे ऊपर फूल बरसाए, आज आतंकवादियां
गया। मैं कह रहा हूँ कि जिस रैली का मैं हिस्सा था, समझ रहे हो बात, टिकरी बॉर्डर की, और जो 5 किलोमीटर की रैली था, हमारा हिस्सा चल रहा था, उसमें कम से कम नाना करते 50,000 किसान थे, जिन हमारे टुकड़े में, बाकी पीछे तो और होंगे, और उसमें सिर्फ मेरी वाइफ अकेली और एक आगे सोनी मान बैठी थी, समझ रहे हो बात, गाड़ी के आगे सोनी मान और मेरी वाइफ। आज मैं अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर अपने आप को सिक्योर फील कर रहा हूँ। आतंकवादियों में कौन अपनी बहन बेटी को सिक्योर फील करता है, आप मुझे बात बताइए। इनके आंदोलन में तो बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती है, इनको वो आंदोलन दिखता है जिसमें तोड़फोड़ होती है, आम जनता को मारा जाता है, इनको वो आंदोलन दिखता है। और उस तोड़फोड़ के आंदोलन को दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 2-4 बसें खुद ही तोड़वा दी, समझ रहे हो बात, 2-4 बसें खुद ही तोड़वा दी आंदोलन को दहशतगर्द दिखाने के लिए माहौल बनाया गया। और बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है आंदोलन को दबाना। आज हजारों की भीड़ यहाँ खड़ी है, आप किस किस की आइडेंटिटी चेक करते भी लोगे, आप कह रहे चेक कर लोगे कि वो किसान है या वो ग्राउंड लेवल में काम करने वाला आदमी है या नहीं है, या वो सरकार का पुतला है, सरकार का नुमाइंदा है, आप नहीं पर चेक कर सकते ना। तो आज इसी प्रकार से इस आंदोलन को दबाने में सरकार, समझ लो अभी तक क्या था कि सरकार 25 तारीख की रात 12 बजे तक किसान फ्रंट फुट पे थे, सरकार बैक फुट पे थी, समझ रहे बात। इनकी चाणक्य नीतियों ने, गंदी राजनीति ने आज किसानों को बैक फुट पे कर दिया, सरकार को फ्रंट फुट पे कर दिया। ये खेल नहीं, तमाशा नहीं तो और क्या है, ये खेल तमाशा तो है कि सरकार जो है आज किसानों को बैक फुट पे ले आई। आज हमें जो लोग कल सपोर्ट कर रहे थे, आज हमें कल मेरे को लाइक कर रहे थे लोग, लाइव वीडियो में मैंने लाइव वीडियो चलाई है अपनी फेसबुक पे, जो हम आंदोलन का हिस्सा बने हैं उस लाइव वीडियो में लोग हमें लाइक कर रहे थे, आज वही हमें कमेंट कर रहे हैं, तुम तो देखो कैसा कैसा काम कर रहे थे। आज हमारे को लाठियां मारी गई, हम अपना मांगने आए हैं, लाठियां खाने आए हैं, आज यहाँ किसानों को किसको शौक है, मेरी बात बताइए। आज एक बम काफी होता है दिल्ली जलाने के लिए, और दिल्ली की सड़कों पे, 4 बॉर्डरों पे आज कम से कम 5 लाख किसान बैठा है, समझ रहे हो बात। एक आतंकवादी काफी है संसद दिलाने के लिए, तुम 5 लाख आदमी के माथे पे संसद का एक खालिस्तानी का टैग लगा रहे हो। आज खालिस्तानी तिरंगे लहराते हैं, आज देशभक्त तिरंगे, देशद्रोही तिरंगे लहराते हैं, आज आतंकवादी तिरंगे लहराते हैं। तिरंगे के सम्मान में पूरी दिल्ली ने कल पूरी तिरंगा यात्रा निकाली, और इनकी तिरंगा यात्रा कहाँ निकलती है, आसिफा को बचाने वाले जो मुजरिम है उनके लिए इनकी तिरंगा यात्रा निकलती है, बीजेपी के जो इनके नेता हैं एमएलए जो बलात्कारी हैं उनको बचाने के लिए ये तिरंगा यात्रा बलात्कारियों को बचाने के लिए निकालते हैं, और किसान तिरंगा यात्रा अपने सम्मान, अपने सच्चाई और अपने हक के लिए निकाल रहा है। ये तिरंगा यात्रा निकालने की बात करते हैं, इनको तो मैं कहता हूँ तिरंगे की, जिस बहन बेटी की 7 साल की बच्ची की इज्जत लूटी गई उसमें तुमने तिरंगा यात्रा निकाल दी, ऐसे बंदों को तो ना लोक में ना परलोक में, धरती के किसी कोने में मोक्ष नहीं मिलेगा, ये मरेंगे, इनकी आत्माएं भटकेंगी, ये ऊपर जाएंगे, भगवान इनको यमराज जो है इनको वहां पे जो जगह नहीं देगा, कौन सी होती है भाई वो नर्क, हाँ इनको नर्क में जगह नहीं देगा, समझ रहे हो बात। आज इनको कहीं सुकून नहीं मिलेगा, ये अगर इनके जो भेष में मुसलमान भी बन के बैठे हुए हैं इनके प्रवक्ता, उनको कब्रिस्तान में जमीन में कीड़े काटेंगे, इनकी हड्डियां निकालोगे तो हड्डियों में से पानी निकल रहा होगा, इतना बुरा हाल होगा इन लोगों का, ये बात आप ध्यान रख लेना। और आपको मैं बता दूं बहुत जल्दी ये षड्यंत्र रचेंगे एक और भी, ये आम आदमी को मारने का काम करेंगे, जितनी यहाँ पे पब्लिक बैठी है ना, इस आंदोलन को दबाने के लिए बटालियन भी उतारी जा सकती है, और जिस दिन बटालियन उतारी जाए आप मेरी ये वीडियो क्लिप काट करके बोल देना कि एक सिख भाई ने प्रेडिक्शन करी थी गिन्नी सानी नाम के ने कि ये काम भी होगा। ये आंदोलन को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गुजरात आपने देखा, 2002 आपने देखा, कश्मीर आपने देखा, समझ रहे हो बात, ऐसा कौन सा दंगा है जहाँ बीजेपी नहीं जुड़ी। आज आज हमारे जो ये हिंदू भाई वहाँ जाते हैं अमरनाथ की यात्रा में, आज तक अमरनाथ के इतिहास में 4 बार अटैक हुआ आतंकवादियों का, 4ों बार सरकार किसकी रही, इतिहास खोल के देखना। कश्मीर में जो बहन बेटियों की गलती कश्मीरी कांड हुआ, उस समय सरकार में मेजोरिटी किसकी थी, जो कांग्रेस सरकार का गठबंधन था वो किसका था, ये जाँच करना, मेरी बात समझ रहे हो बात। गुजरात में दंगे हुए तो वो जाँच करना, CAA के दंगे हुए दिल्ली के अंदर तो किसकी सरकार थी, इनकी सरकार थी ना। तो आज दंगे को दबाने में ये माहिर लोग हैं, इनको तो आज इस्तीफा दे देना चाहिए, भैया दंगावादी सरकार मत बनाओ, देश से इस्तीफा दो, देश का भला करो। आज अगर इनमें नैतिकता होती तो अमित शाह कल के दंगे के बाद बोलते मुझे बड़ा खेद है कि मेरी अध्यक्षता में ये सब काम हुआ, मैं पुलिस को नहीं संभाल सका, मैं लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार नहीं रख सका, आज किसानों के सम्मान में जो रैली निकल रही थी आज हम उसको सही तरीके से नहीं निकाल सके, मैं इस नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देता हूँ। और ये मौके बुना जाते हैं, सबसे बड़ी बात है ये मौके बुना जाते हैं। यार ऐसा कौन से देश के नेता हैं जिनको मौके बुनाने आते हैं, इससे बड़ा तो कोई षड्यंत्रकारी राजनीतिक आदमी नहीं हो सकता, और किसान भी इनका मोहरा बन गया। आज जो ये कल रैली हुई है, अगर आप मेरी निजी राय लो तो ये रैली नहीं थी, ये आंदोलन को दुर्बाने की सरकार की पहली शुरुआत थी,
ये रैली नहीं थी, ये आंदोलन को दबाने की सरकार की पहली शुरुआत थी। और हमें लगता है कि जो रैली का आपने देखा होगा दीप सिद्धू को जो ये कर रहे हैं वो एक मोहरा आदमी है, मैंने आपको पहले भी बताया, आप देखना अकाल चलाई टीवी पे जो पूरे निहंग को इन्होंने यूज़ किया, इस्तेमाल किया भड़काने के लिए, क्योंकि आज सिख आदमी ही सिर्फ इसको लीड करके भड़का सकता था, इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। आज दीप सिद्धू को ये कह रहे हैं, दीप सिद्धू ने क्या किया कि भीड़ जो थी उसको लाने का काम किया और भड़काने का काम उस निहंग ने किया, ये दो आदमियों ने पूरे कल की क्रांति को ख़त्म कर दिया, मेरी बात समझ रहे हो बात। और आज किसान जो बैकफुट पे खड़े हैं, आज गाजीपुर में लोग सवाल कर रहे हैं कि इतने ट्रैक्टर कम है, इतनी भीड़ कहाँ गई, उसका रीज़न है कि ट्रैक्टर पंचर कर दिए गए। आप देखना, आपको अगर अपना लिंक दोगे तो मैं आपको यूट्यूब पर लिंक भेजूंगा, ट्रैक्टर पंचर कर दिए, किसानों के ट्रैक्टर के पार्ट चुरा लिए, पार्ट, ऐसे नंगे लोग हैं, मतलब आदमी के जिसमें से हड्डियाँ निकाल लो तुम, ट्रैक्टर के पार्ट तक चुरा लिए तुमने, अरे यार डूब के मर जाओ तुम लोग, किसानों के ट्रैक्टर हड़प गए तुम लोग, ऐसे नंगे आदमी हो तुम लोग, ट्रैक्टर के पार्ट निकाल के कहाँ लगाओगे, आप जानो ना, मतलब इतनी भूख बड़ी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिलती, तो यहाँ आओ बाबा जी तुम्हें लंगर खिलाएंगे, समझ रहे हो बात, ट्रैक्टर के पार्ट निकाल लिए, अरे भिखारी हो गए तुम लोग, देश की जनता के आगे अभी तक जो है आप भीख मांगते थे वोटों की, समझ रहे हो बात, और आज एक ट्रैक्टरों के लोहे के टुकड़े छुड़ा रहे हो आप लोग, चोर हो कबाड़ी हो क्या हो, जय जवान जय किसान।